और वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में भी तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है और यही वजह है कि आज विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े नेताओं ने की थी। हालांकि इसमें क्षेत्रीय दल यूकेडी और आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाकर रखी। बेटियों को न्याय मिले उसके लिए ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं और ये ध्यान आकर्षण के लिए है ताकि लोगों तक ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जा सके कि देश में चल क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है। वो यही काम विपक्षी दलों का होता है कि हम अंकुश लगाएं और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। नहीं, हमें लगता है कि परिस्थितियों ने हमें विवश किया है कि सब दल एकजुट हों, ये ऐतिहासिक आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि विभाजित शक्तियाँ भाजपा जैसी पार्टी का विकल्प खड़ा नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो चौतरफा संकट है, जो असफलताएं हैं भाजपा सरकार की, उसको हम मजबूती के साथ जनता तक के बीच में ले जाए। और वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह के अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। वन विभाग के बाद शहरी क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अब तक करीब 300 से ज्यादा अवैध मजार और 40 से ज्यादा मंदिर ध्वस्त किए गए। आज सचिवालय में हुई बैठक में सीएम धामी ने ये फैसला लिया है। अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है और इसी कड़ी में रामनगर के ढिकुली स्थित कई रिजॉर्ट्स में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल सिंचाई विभाग की नहर पर कई रिजॉर्ट्स ने अपने गेट और भवन बना रखे थे, जिसे सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। रामनगर में अब तक 200 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। ये भी लदवा चौड़ ढिकुली क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध जो है पूर्व में चिन्हित अतिक्रमण जो थे, उसमें आज अभियान के तहत जो सिंचाई विभाग के अतिक्रमण हैं, जो सार्वजनिक गोले हैं, उन पर जो भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उनको रिमूवल का अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में सिंचाई विभाग के द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे सरकारी गोलों पर। और देखिए, उधर अल्मोड़ा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रभारी जिलाधिकारी अंशु सिंह ने बताया कि जनपद में अतिक्रमण को लेकर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक 4 जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए हैं और बाकी के लिए गहन जांच जारी है। जैसे ही जगह वेरीफाई होगी उसको त्वरित कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। इसमें सबसे पहला टास्क था हमारा चिन्हीकरण करना, जिसमें हमने पूरे अल्मोड़ा में जितने विभाग हैं, अभी ये क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें जाके देखना पड़ता है, 342 ऐसी जगह आइडेंटिफाई करी गई थी जहाँ अतिक्रमण हो रखा था, जिसमें से अभी ये जो अभियान था पिछले महीने ही चालू हुआ, 4 जगहों से अतिक्रमण हटाया अभी जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।